हेलो फ्रेंड, मैं सुनील इंगले बोल रहा हूँ। आज का टॉपिक है ट्रैफिक लाइट प्रोजेक्ट। ट्रैफिक लाइट प्रोजेक्ट क्या है? दिस प्रोजेक्ट ऑपरेट रेड अम्ब्रेला एंड ग्रीन एलईडी इन द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द सिग्नल फॉर यूके ट्रैफिक लाइट। यानी इंडिया में भी आपकी लाइटें चलती है। टाइम टेकन फॉर द कंप्लीट रेड रेड एंड अम्ब्रेला ग्रीन अम्ब्रेला सिक्वेंस कैन बी रिसीव 60 सेकेंड अबाउट द 2.5 मिनट बाय द एडजस्ट बाय 1 मेगा प्रीसेट के द्वारा कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी हम आपको बताते हैं। रेजिस्टेंस 3 लगेंगे 470 ओम्स के, एक 22 किलो ओम्स का और एक 100 ओम्स का, जिस प्रकार मैंने ले रखे। देखो ये 3 है आपके 470 के, इसके बाद आपका ये 100 किलो ओम का है और ये 22 ओम का। कैपेसिटर ये 3 है हमारे पास, देखो ये आपका 0.1 माइक्रोफेराड का हो गया, ये वन माइक्रोफेराड का है और ये 10 माइक्रोफेराड का। एलईडी इसके बाद आपके डायोड 6 होने चाहिए, तो मैंने 6 डायोड पहले से ले रखे हैं। देखो ये 6 डायोड मैंने पहले से ले रखे हैं, ये आपके 6 डायोड्स हो गए। और एक प्रीसेट चाहिए होगा आपको, ये प्रीसेट भी ले लिया। और ये एलईडी हो गई 3, ग्रीन रेड और अम्ब्रेला, ये 3 प्रीसेट हो गई। एक ब्रेडबोर्ड चाहिए और एक पावर सप्लाई चाहिए, जो 5 वोल्ट का एक चार्जर ले लिया मैंने, है ना। अब आपको क्या करना है, इसको कनेक्शन कैसे करेंगे, मैं इसका कनेक्शन आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक सर्किट होगा हमारे पास, सर्किट है हमारे पास, ये देखो इसके कनेक्शन कैसे करना है। ब्रेडबोर्ड्स पे आप देख सकते हो, ये ब्रेडबोर्ड्स, तो सबसे पहले ये देखो ये 555 टाइमर आईसी है और ये काउंटर आईसी है। आपको देखना है कि इसकी काउंटिंग कैसे करते हैं। जैसे 555 टाइमर आईसी, तो इसकी काउंटिंग भी 1 2 3 4 5 6 7 8, सेम इसका भी होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके बाद 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ये इसका क्या हो गया, काउंटिंग हो गई। हाँ दोस्तों, मैंने सारे कंपोनेंट अलग क्यों कर लिए, मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये इसको क्या बोलते हैं, एलईडी बोलते हैं, ये कैपेसिटर्स हो गए और इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, और ये आपका क्या है रेजिस्टर्स, और ये डायोड मैंने अलग अलग इसलिए कर लिया, जब मुझे लगाना होगा तो मैं सिंपली लगा सकता हूँ। ठीक, सबसे पहले मैं क्या लगाऊंगा, एक कैपेसिटर 0.1 माइक्रोफेराड का, जो सर्किट मैंने आपको फ्रंट में दे रखा है, आप उसे देख के मेजर कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद एक 100, ये आपका 100 कितने 100 किलो ओम्स का एक रजिस्टर्स है। ठीक है, ये कहाँ पे लगेगा, सबसे पहले इसको मैंने जब ये लगाया माउंट किया, ये यहाँ पे माउंट कर देंगे, तो आप सर्किट में देख रहे होंगे कि जो पहला 100 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस पॉजिटिव, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला निगेटिव, तो ये इसको आपने यहाँ कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब देखो इसके बाद क्या बोल रहा है, ये यहां से कैपेसिटर नीचे वाले से, तो कितने किलो ओम का, 10 माइक्रोफेराड का, तो देख लेंगे हम इस पे, ये 1 माइक्रोफेराड का और ये 10 माइक्रो, तो ये इसका पॉजिटिव, देखो जो कम लाइन वाला होगा ये निगेटिव होगा, ये जो दिख रहा है ऊपर की तरफ से, और ये वाला पॉजिटिव है, तो ये निगेटिव मैंने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया सेम। ठीक, इसके बाद इसमें जो आप केबल्स लगेगी वो बाद में लगा लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, पिन नंबर देखो यहीं से आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो अब यहां से कनेक्ट कर दिया मैंने, अब ये वाला पिन नंबर 7 से कनेक्ट है, तो यहां से मैंने पिन नंबर 7 से कनेक्ट कर दिया। देखो ये 7 दिख रहा होगा, एक कम, 8 से एक कम हो गया तो 7 हो गया। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट 6 2, तो इसके बाद ये 6 है और एक ऊपर से कम करेंगे तो -2 हो जाएगा, यानी कि 2 हो गया। अब पिन नंबर 2 को कैसे कनेक्ट करना है, वेरिएबल रेजिस्टेंस के सेकंड वाले से, ये सेकंड वाले से मैंने कनेक्ट कर दिया ऊपर की तरफ कर दिया। इसके बाद पिन नंबर 1 को मेरे को ग्राउंड करना है, तो मैं इसको ग्राउंड कर देता हूँ पिन नंबर 1 को, ये मैंने पिन नंबर 1 को ग्राउंड कर लिया। इसके बाद आपको देखो पिन नंबर 4, ये देखो लास्ट वाला होगा, पिन नंबर 4 को मैंने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया,
अब पिन नंबर 8, 8 को भी मैं पॉजिटिव से कनेक्ट कर दूंगा, ये 8 को मैंने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। इसके बाद 8 को कनेक्ट करने के बाद पिन नंबर क्या बच रहा है मेरा, 1 भी हो गया है, अब पिन नंबर यानी कि 6 भी हो गया है, अब पिन नंबर बच रहा है खाली 3। 3 नंबर पिन को क्या करूंगा मैं, आईसी के 17 काउंटर आईसी के पिन नंबर 14 के इनपुट में दे दूंगा, ऐसा इनपुट काम करेगा, ठीक है। अब काउंटर आईसी के अब क्या होगा, पिन नंबर 16, पिन नंबर 16 पे मैंने एक पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया। अब पिन नंबर 15 पे क्या बोल रहा है ये, यहां से पिन नंबर 15 से कनेक्ट, इसको हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले पिन अब यहां से 14 हो गया, अब अपन 13 पिन नंबर 14 से ये माइनस हो जाएगा एक यहां पर, तो ये क्या होगा 13, ये 13 पे। इसके बाद पिन नंबर 8, पिन नंबर 8 से ये कनेक्ट किया और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ये ग्राउंड वाली लाइन है, अब देखिएगा ध्यान से ना। इसके बाद क्या है कि 4 डायोड्स लगाने हमको, देखो 4 डायोड लगा, तो पिन नंबर 1 पे लगाना है एक, देखो ये पिन नंबर 1 पे लगाना है, एक पिन नंबर 1 पे, तो ये पिन नंबर 1, देखो जो ज्यादा भाग होता है वो उसका पॉजिटिव होता है और जो कम होता है वो उसका निगेटिव होता है। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, 1 पे 1 कर, और इसके सेकंड वाली लाइन में इसको लगा देते, इनको शॉर्ट कर देंगे अपन यहाँ पे, 1 नंबर पे, इसके बाद 5 नंबर आपका, देखिए 1 2 3 4 5, अब ये 5 नंबर पे कनेक्ट किया मैंने और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया इसी रूम में, इस रूम में 5 पे। इसके बाद पिन नंबर 6 पे कनेक्ट करना है मेरे को सेम इसी के बाद वाले में, एक ये आपका 6 कनेक्ट हो गया। अब क्या बच रहा है, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 लाइन तो करंट फ्लो होता है, अब एक और अपने क्या करना है, यहां से यहीं से लेंगे अपन, देखो अब ये इसको एक यहाँ कनेक्ट करेंगे, कहाँ, यहाँ पे, और ये आपका यहाँ पे ये आ गया। ये आपने कनेक्ट कर दिया, तो इस लाइन में एक कनेक्ट हो गया। अब इसके बाद एक आपको रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा, ये आपने रेजिस्टेंस लिया 470 ओम का और यहाँ पे इसको लगाया, माउंट किया। इसके बाद इसको क्या करेंगे, एलईडी लगा देंगे, कौन सी एलईडी लगा देंगे अपन, ग्रीन वाली, ग्रीन एलईडी लगा दी, तो इसका पॉजिटिव, जो फ्लैट होता है वो निगेटिव होता है, या लेग जिसका बड़ा होता है वो पॉजिटिव होता है, जिसकी लेग छोटी होती है वो निगेटिव होता है, तो ये निगेटिव लाइन पे मैंने कनेक्ट कर दिया, ऊपर वाली लाइन पे, है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, पिन नंबर 10, पिन नंबर 10 पे कनेक्ट करना है और पिन नंबर 11 पे, पिन नंबर 11 पे कनेक्ट कर दिया। पिन नंबर 11 पे कनेक्ट करने के बाद एक रेजिस्टेंस फिर लगेगा आपको 470 ओम का, वहां से आपने क्या कनेक्ट करना है, फिर इसको यहां लगाएगी और सेम ऐसा ही करते हुए यहाँ पे कौन सी एलईडी लगेगी, ग्रीन वाली एलईडी लगेगी, देखो ये ग्रीन वाली, इसमें हम चेक कर रहे हैं कि निगेटिव, जिसका लेग छोटा है वो निगेटिव होगा और जिसका लेग बड़ा होगा वो पॉजिटिव होगा, फिर वापस कनेक्ट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि 12 नंबर है ना, तो ये 11 था तो इसी के बाद वाले हम 12 होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जम्पर वायर लगा लेंगे, इसको यहाँ लगाया, इसको यहाँ कनेक्ट किया और वापस से एलईडी पॉजिटिव वाली, जो बड़ा लेख होगा पॉजिटिव होगा, ये देखो ये आपका कनेक्ट हो गया। अब यहां से मेरे को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहां से इसमें एक शॉर्ट करना है, यहाँ पे लिया और देखिए पिन नंबर 12 पे कनेक्ट हो गया, तो ये लाइन पूरी हो गई। अब क्या बच रहा है मेरे को, पिन नंबर 15, पिन नंबर 15 को भी एक जम्पर वायर लूंगा मैं यहाँ से, ये जम्पर वायर लिया, इसको बीच में कनेक्ट किया, उसके बाद एक 1 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर जो पॉजिटिव से कनेक्ट होते हुए, देखो ये पॉजिटिव से कनेक्ट होते, इसको शॉर्ट कर दिया, तो पहले इसको लगा दो, ये इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे क्या लगेगा, 22 के का एक रेजिस्टेंस जो ग्राउंड से कनेक्ट हो गया, ये ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, ये कनेक्ट हो गया। अब सिंपल अपने वायरिंग क्या बच रही है अपनी, एक और कोई बच रहा है क्या, 15 नंबर भी हो गया, ये भी हो गया, हाँ ये इसको ग्राउंड करना था तो इसको यहाँ से ग्राउंड हो गया, शॉर्ट कर देंगे तो ग्राउंड हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है हमको, इसको इसकी पावर सप्लाई लगाना, तो देखो ये जो
वोल्ट की, इसको मैंने निगेटिव मान रखा है। आप भी अपनी पावर सप्लाई में देख सकते हैं निगेटिव कौन सा है पॉजिटिव। 5 वोल्ट की पावर सप्लाई हमने इसको कनेक्ट कर दी, कनेक्ट करने के पावर ऑन किया, देखो देख पा रहे हो आप कि एलईडी कैसे ब्लिंक हो रही है आपकी, चेंज हो रही है। इसकी टाइमिंग को आपको चेंज करना है तो इसकी वेरिएबल रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है, तो आप यहां से इसके वेरिएबल रेजिस्टेंस भी इसको चेंज कर सकते हैं। देखो जो इसकी आपकी स्पीड मेजरमेंट का काम है, देखो देख पा रहे हो, ये देखो तो यहां से इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं, देखो एलईडी ब्लिंकिंग का काम। ठीक है, तो आप थैंक यू, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। ट्रैफिक लाइट कंट्रोल, इसमें कोई भी समस्या आती है तो आप मुझे कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए। थैंक यू, इसको लाइक और शेयर करना ना भूले दोस्तों, धन्यवाद।